हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की बहुत ही टेस्टी सब्जी। आज हम बेसन मिर्जा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान ये बनने वाली सब्जी है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती है, झटपट बनकर रेडी हो जाती है। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले हम एक कप बेसन लेंगे। तो देखिए, इसका हमें डो तैयार नहीं करना है, इसमें हम पानी के छींटे मारेंगे। छींटे लगाते हुए हमें इसको इकट्ठा करना है बेसन को, और इस तरीके से हाथों से मसलते भी जाएंगे इसको। तो देखिए, इसी तरीके से हमें इसको करना है। हमने छींटे लगा लगा के इस तरीके से बेसन को कर लिया है, छोटे छोटे गोले बन गए हैं इसके। अब हम गैस पर बर्तन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। इसमें जो बेसन है हमारा, इसको हम डालेंगे। तो गैस के फ्लेम को हमें लो से हल्का सा ज़्यादा रखना है और बेसन को हमें इसमें चलाते हुए भुनना है। तो एक मिनट हमने इसको भून लिया है। अब ये जो मोटे मोटे हमारे गोले हैं बेसन के, इसको हम इस तरीके से तोड़ते जाएंगे और इसको भूनते जाएंगे। और ध्यान रखें, गैस की फ्लेम को ज़्यादा तेज नहीं रखना है, लो से हल्का सा ज़्यादा आप रख सकते हैं। और अगर आपके गैस की फ्लेम ज़्यादा तेज है तो लो पे ही रख के इसको भूने चलाते हुए, लेकिन अच्छे से बेसन को भूनना है हमें। तो देखिए, बेसन को हमने भून लिया है, लाइट गोल्डन इसका कलर आ गया है और बहुत ही अच्छे से इसमें खुशबू आने लग गई है। तो इतना ही हमें बेसन को भूनना है। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे, इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में हम फिर से ऑयल लेंगे। दो पीचिस में हम हींग ऐड करेंगे। ये हमने दो हरी मिर्च, एक इंच अदरक के टुकड़े और थोड़े से लहसुन की कली को ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसको हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे जिससे कि अदरक लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। तो देखिए, इसको हमने चलाते हुए फ्राई कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने लो पे ही रखा है। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। एक चौथाई चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड करेंगे, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे एक चौथाई छोटी चम्मच, एक चौथाई छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च है, कलर अच्छा आता है, तीखापन कम होता है और तीखा अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तो ये मसाले को हम थोड़ा चला लेंगे। थोड़ा कुछ सेकंड हमने इसको चला लिया है। अब ये हमने एक टमाटर की प्योरी ली है, वो हम इसमें ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो इस मसाले को हमें भुनने देना है लो मीडियम फ्लेम पर। ढककर हम इसको मसाले को भुनने देंगे। तो देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है। अब दो ग्लास इसमें हम पानी ऐड करेंगे। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, हम यहाँ पे पतली ग्रेवी वाले बना रहे हैं सब्जी। अगर आपको गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो आप पानी कम इसमें डाल सकते हैं और ग्रेवी को गाढ़ा रख सकते हैं। वैसे इसमें तो थोड़ा पानी ज़्यादा रखेंगे तभी बेटर रहेगा, क्योंकि एक बार ठंडा होने के बाद सब्जी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी ये। अब गैस की फ्लेम को हम हाई पे कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो इसमें उबाल आने पर अब जो भुना हुआ बेसन है हमारा, वो हम ऐड करेंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी ये सब्जी लगती है खाने में। अगर घर में सब्जी ना हो तो इसे बना ही सकते हैं। सब्जी है भी घर पे तब भी आप इसे बनाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी बनती है। हमारे यहाँ तो
हम तो घर में इसको मिर्जा नाम से बुलाते हैं, बट आप इसे किस नाम से बुलाते हो? अगर आप ये सब्जी बनाते हो, अगर आपको पता है सब्जी के बारे में, तो आप इसे किस नाम से बुलाते हैं हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी देख के ज़रा से भी खुशी मिलती हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें। इसे हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। तो इस सब्ज़ी को हमने 4 मिनट पका लिया है, देख सकते हैं ग्रेवी हमारी थिक हो गई है। तो इससे ज़्यादा थिक ग्रेवी हमें नहीं करनी है। तो ये बहुत ही टेस्टी ये सब्ज़ी हमारी झटपट बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट में हम धनिया ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, धनिया अगर है तो डालें नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बेसन मिर्जा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आप इस चटपट बनने वाली टेस्टी सब्जी को ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। बहुत आसान भी है बनाना और खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप अपने प्यार से कमेंट भी कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।